प्राणी शेरनी से दूर हटो और अपने हथियार फेंक दो। नहीं, ये वैसा नहीं जैसा समझ रहे। बाल बब्बर नहीं दिख रहे हैं, वो कहाँ है? राजा जी, ये लोग बाल बब्बर को मारने जंगल आए हैं। अरे अरे नहीं अरे अरे ये सब हम थोड़ी ना कर रहे, वो तो वो त्रिकारे कर रहे ये सब। ये कौन है भाया? हमने तो कभी नहीं सुना इनके बारे में। अरे आपको कानून तोड़ना शोभा नहीं देता। ये बच्चे सही हो या गलत, लेकिन इन्हें जंगल के कानून के हिसाब से अपनी सफाई देने का मौका तो जरूर मिलना चाहिए। और ये सब तो बाद में भी हो सकता है, पहले हमें रानी शेरनी को आपकी गुफा में ले जाना चाहिए। इन तीनों को गिरफ्तार कर लो, तब तक के लिए जब तक इनके किए हुए जुर्म का कोई ना कोई सबूत नहीं मिल जाता। गुरुकाल भारी अप्पे मुंबासा। वाह गुरुकाल वाह, इत्तेफाक ने आज आपके दुश्मनों को कमजोर कर ही दिया। इत्तेफाक नागेन, इत्तेफाक जैसी कोई चीज नहीं होती, होता है तो सिर्फ शातिर दिमाग जिसके बनाए हुए साजिश को लोग इत्तेफाक समझते हैं। वाह गुरुकाल वाह, क्या बात। लेकिन गुरुकाल मुझे कुछ समझ में नहीं आया, क्या बात। अरे समझाता हूँ, मैंने ही काली मकड़ी को भेजा था दादी को काटने के लिए। मैं जानता था कि रुद्र के रक्षक उसका तोड़ लाने के लिए जंगल में जरूर आएंगे। फिर मैंने भेजा त्रिकारा को बाल बब्बर को मारने के, ताकि बब्बर राजा को लगे कि रुद्र के रक्षकों ने उसे मार दिया। अब बब्बर राजा रुद्र के रक्षक को मार देंगे, फिर मनुष्य और जानवर के बीच की शांति संधि तो गई।